सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हदीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है पाकिस्तान मोर करप्ट अंडर इमरान खान। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मोर करप्ट अंडर इमरान खान, व्हाट इज इंडियाज लेटेस्ट करप्शन इंडेक्स रैंकिंग। मुझे आगे से टाइटल भी दिखाया था, बड़ी बड़ी वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। दुनिया भर में आप अगर देखो तो लोग अपनी गवर्नमेंट्स को जब जज करते हैं तो प्राइमरली तीन चार मेन पॉइंट्स होते हैं, उस पर जज किया जाता है। पहला होता है महंगाई, फिर उसके अलावा करप्शन, फिर देखा जाता है कि लोग मैनेज कैसे कर रहे हैं बाकी चीज़ों को। तो करप्शन के मामले में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, ख़राब कंट्री बन चुका है अंडर इमरान खान। जो लेटेस्ट डेटा आया है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का, वहाँ पर रैंकिंग्स काफ़ी शॉकिंग है। चाइना में इम्प्रूवमेंट आई है, पाकिस्तान काफ़ी हद तक गिर चुका है। इंडिया की रैंकिंग अपने आप में ऑब्जर्व करने वाली है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मगर अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ये लेटेस्ट रैंकिंग आई है करप्शन वाली, इससे पॉसिबिलिटी है कि एक बार को इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, वहाँ पर एक बार को रिजीम चेंज भी हो जाए। क्योंकि जैसे ही ये रैंकिंग सामने आई है, पाकिस्तान में काफ़ी लोग ऑनलाइन ओपनली कह रहे हैं इमरान खान को करप्शन किंग। और याद रखिएगा, पाकिस्तान में जो अगले इलेक्शन है ये होंगे 2023 में, तो अगले साल यहाँ पे इलेक्शन भी है, तो ये मैटर करता है कि आज के समय यहाँ पर क्या चल रहा है। नाउ डिस्कस करते हैं इस रैंकिंग को, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि रिसेंटली रिलीज किया गया जो 2021 का इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स था, यहाँ पर रैंक वन किस कंट्री की थी? नॉर्वे, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड या फिर जर्मनी? ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि रैंक वन यूजुअली लोग याद करते नहीं है, बस इंडिया की ही रैंक याद करते हैं। तो आप अगर दोनों के जवाब देते हैं कि इंडिया की यहाँ पर रैंक क्या है और रैंक वन कंट्री क्या है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी कमेंट को हार्ट देने की इन द कमेंट सेक्शन। तो आंसर करिए इस क्वेश्चन का, सही आंसर वैसे आपको वीडियो के एंड में मिल ही जाएगा। सो ये है आपके सामने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। आपने नोटिस किया होगा के बाकी सारे इंडेक्स के कंपैरिजन में इसको खास ही अटेंशन मिलती है, और इसका रीज़न भी है। पिछले 10 साल में आप अगर देखो तो करप्शन एक ऐसा इशू रहा है जिसकी वजह से ऑल टुगेदर गवर्नमेंट चेंज हो गई है। इंडिया में आप अगर देखो तो 2012-13 के आसपास जो एक मुहिम चली थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उससे रेडिकल एक चेंजेस आए पॉलिटिक्स में इंडिया की। नई पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हो गई, आम आदमी पार्टी, कई पॉलिटिकल पार्टीज का डिक्लाइन हो गया, ऑल टुगेदर नई गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई। पाकिस्तान में भी आप अगर देखो, नवाज शरीफ से लोगों को सबसे ज़्यादा जो कंप्लेन थी वो यही थी, पाकिस्तान में उनकी इमेज बन गई थी कि वो काफ़ी करप्ट लीडर हैं और करप्शन के अगेंस्ट एक्शन लेते नहीं हैं। तो इसलिए हर साल जब भी एक करप्शन परसेप्शन की लिस्ट आती है, दुनिया इस पर टेंशन पे करती है। तो इंडिया की रैंक यहाँ पे आप अगर देखो तो इंडिया की रैंक पिछले साल की तरह इस साल भी है 85 आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज। देखिए 180 कंट्रीज को यहाँ पे रैंक किया गया है, उसमें से भारत की रैंक है 85, जो मैं कहूँगा बहुत अच्छी नहीं है, इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश बिल्कुल यहाँ पर बनी हुई है। मगर बहुत ही लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो बिल्कुल इम्प्रूवमेंट हुई है। देखो करप्शन एक ऐसा इशू है जो रातों रात सॉल्व होता नहीं है। करप्शन अपने आप में एक, आप कह लीजिए, सोसाइटी का बहुत ही डीपली रूटेड एक इशू रहता है। सोसाइटी धीरे धीरे करप्शन को पीछे छोड़ती है और आगे निकलती है। तो इंडिया में भी आपको अगर प्रोग्रेस देखनी है तो 10 साल के हिसाब से देखा करो, साल दर साल मैक्सिमम एक या दो रैंकिंग ही ऊपर नीचे जाएगा। हाँ, नीचे ज़्यादा गिर सकता है अगर कोई बहुत ही बड़ा करप्शन स्कैम सामने आ गया, मगर इम्प्रूवमेंट बड़ी आराम आराम से होती है। और आप देखोगे 2012 में इंडिया में, आपको पता है उस वक्त करप्शन के बहुत सारे केसेस रैम्पेंट थे, उस वक्त भारत की रैंक हुआ करती थी 94। यहाँ पर आप देख पाओगे पुराना डेटा है, 2012 में हमारी रैंक थी 94, 2013 में भी 94, उसके बाद हमने देखा है कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आई है, तब से हम 85-80 के बीच में झूल रहे हैं। नीड ये है कि ये जो आप कह रही बैरियर है इसको तोड़े और हम वापस 70-75 के आसपास एंटर करें आने वाले 5-6 साल, इसमें इम्प्रूवमेंट आराम आराम से ही होगी। इंडिया एक ह्यूमंगस कंट्री है, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, रातों रात करप्शन यहाँ पे बिल्कुल मिटने नहीं वाला, रातों रात ये देश स्वीडन नहीं बन जाएगा। अब जहाँ पर इंडिया की रैंक काफ़ी हद तक अभी के लिए तो स्टेबल सी है, एक आप कह लीजिए सटन दायरा, वहीं पर हल्का सा ऊपर नीचे हम होते रहते हैं, मगर पाकिस्तान की रैंक आप अगर दिखोगे तो लगातार गिरती जा रही है, और इसलिए इमरान खान पर काफ़ी आरोप भी लग रहे हैं।
2019 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की जो रैंकिंग थी पाकिस्तान की, ये थी 120 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। 2020 में ये गिर के हो गई 124, इतना बड़ा फॉल नहीं है। मगर इस साल 2021 में अब ये लोग 140 पे जाके गिर गए हैं। ये एक ह्यूमंगस फॉल है और इसके पीछे ऑब्वियसली आप सबको बता होगा रीज़न क्या है, पेंडोरा पेपर लीक। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, जब पेंडोरा पेपर लीक इनिशियली आया था मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के पीएम का वैसे तो अपने आप में नाम नहीं आया कि इमरान खान ने खुद करप्शन किया है, मगर देखो ये एज ए प्राइम मिनिस्टर इतने कमज़ोर पीएम है, सीधा आर्मी के सपोर्ट पर चलते हैं कि इनके आसपास के जो लोग हैं ये इनकी सुनते नहीं है। रिसेंटली आपने सुना होगा पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ओपनली इमरान खान को कह दिया था कि आप इलेक्ट हो के नहीं आए, यू आर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। बाद में थोड़ा माफ़ी वगैरह होगी कि सॉरी थोड़ा ज़्यादा बोल दिया वगैरह, मगर एक बार को डिफेंस मिनिस्टर अपने पीएम को ऐसा कह दे बहुत ही रेयर होता है। तो इमरान खान देखिए इनके आसपास के जो बहुत सारे लोग हैं, जो उनका इनर सर्कल है, इसमें बहुत सारे करप्ट लोग हैं और रिसेंटली पेंडोरा पेपर लीक्स में ओवर 700 पाकिस्तानीज का नाम सामने आया है। देखो इंडियंस का भी नाम सामने आया था मगर वो इंडियंस गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं थे, गवर्नमेंट में नहीं थे वो, वैसे कोई प्राइवेट इंडिविजुअल कोई क्या कर रहा है अलग केसेस होते हैं, इट डिपेंड्स। मगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट में जेन्युइनली बहुत सारे लोग हैं आज के समय, दे आर वेरी मच करप्ट। तो इसका प्रेशर ऑब्वियसली इमरान खान पे आएगा क्योंकि वेरियस फ्रंट में इनकी गवर्नमेंट ने ब्लंडर किए हैं। आप अगर पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से देखो तो कश्मीर के इशू में इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस कर ली, ये कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। इन्फ्लेशन इनके यहाँ बहुत ज़्यादा है, कर्जे दुनिया भर के इन्होंने ओढ़ लिए हैं, करप्शन लगातार बढ़ रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इमरान खान इस वक्त बहुत नर्वस हैं। रिसेंटली इन्होंने अटपटे से बयान भी दिए थे कि अगर कल को मुझे फोर्स किया गया कि मैं अपनी गद्दी छोड़ दूं तो बहुत ही डेंजरस होगा, मैं और डेंजरस बन जाऊंगा, सड़कों पे प्रोटेस्ट किया करूंगा। तो ऐसी स्टेटमेंट एक पीएम तभी देता है जब वो बहुत ज़्यादा अनसर्टन हो। इंडिया के लिए ये डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बिल्कुल हमारा एक नेबरिंग कंट्री है, काफ़ी बार वॉर लड़ चुके हैं, इनके यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी होगा। नाउ वापस आते हैं अपने इंडेक्स पर, बाकी कंट्रीज़ को देखते हैं। देखिए चाइना की यहाँ पर रैंक है 66। चाइना इंडिया से मैं कहूँगा बहुत आगे नहीं है, चाइना को हम कैचअप कर सकते हैं इस मामले में। फिर श्रीलंका को आप अगर देखो तो श्रीलंका की रैंक है 102, नेपाल की रैंक है 117, बांग्लादेश की रैंक है 147। तो आप अगर सिर्फ साउथ एशियन कंट्रीज़ को देखो तो इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, सिर्फ भूटान ही हमसे आगे है। बट अगेन भूटान बहुत छोटा देश है, 6-7 लाख की आबादी है, तो प्रॉपर कंपैरिजन भूटान का किसी भी कंट्री के साथ बनता नहीं है इतना। फिर आप वर्ल्ड ओवर टॉप कंट्रीज़ देखो तो नंबर वन पे आपको मिलेगा डेनमार्क। एक्चुअली नंबर वन जो रैंक है तीन कंट्रीज़ ने शेयर करी है, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, तीनों कंट्रीज़ में आपको काफ़ी कम करप्शन मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स। उसके अलावा दुनिया की सबसे ज़्यादा करप्ट कंट्री कौन सी है तो देखो ये टाइटल मिला है साउथ सुदान को। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है साउथ सुदान, 180 रैंक है साउथ सुदान की। साउथ सुदान से एक पायदान ऊपर है सीरिया का और उसके ऊपर आपको मिलेगा सोमालिया। अफगानिस्तान की यहाँ पर रैंक है 174 और नॉर्थ कोरिया की भी रैंक है 174। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था। क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में टॉप किस कंट्री ने किया था, तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, द कंट्री ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर की रैंक थी 1, रैंक 2 पे था न्यूजीलैंड, रैंक 3 पे था ऑस्ट्रेलिया। आउट ऑफ 184 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक यहाँ पर थी 121st। तो ये सारी रैंकिंग्स वेरियस एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मेक श्योर टू रिमेंबर देम। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि रिपब्लिक डे सेल चल रही है, अन अकेडमी की एक बहुत ही स्पेशल ऑफर है, सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक यूपीएससी एसएससी बैंक के, जो भी कोर्स यहाँ पे आपको परचेज करना है आप परचेज कर सकते हैं। मगर आप अगर मान लो यहाँ पे परचेज करते हैं 12 महीने का कोर्स तो आपको एडिशनल 6 महीने फ्री मिलेंगे इन योर परचेज। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है 12 मंथ 18 मंथ का कोर्स, जितने महीने का भी आप कोर्स परचेज करते हैं 6 महीने आपको एक्स्ट्रा फ्री मिलेंगे। एक साल का कोर्स अपने आप 1.5 साल में कन्वर्ट हो जाएगा, वैलिडिटी बहुत ज़्यादा आपको मिल रही है यहाँ पर। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये भी पे करने की आपको आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर यूज़ करो PG10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज़ द कोड PG10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, अच्छा एक चीज़ मैंने नोट की है कि हर शख्स जो है ना अपनी जिम्मेदारी समझता है, अपना फ़र्ज़ समझता है करप्शन को। मिसाल के तौर पे दूध वाले ने पानी लाजमी डालना है, छोटी सी करप्शन पे बात करते हैं, बड़ी तो करप्शन, अच्छा बड़ी लेवल पे ना जो सरकारी लेवल पे
सरकारी लेवल पे तो जिम्मेदारी है 100% कि एक बंदा दूसरे बंदे को पता क्या कहता है, कौन नहीं करता, कौन नहीं, और ऐसा लगता है करना फर्ज है, हक है, उनका हक है। मिसाल के तौर पे पता है आपको बड़ी पोस्ट कितने की मिलती है, 10-10, 15-15 लाख रुपए की, और वो जो पोस्ट बिकी है ना वो ऐसे लगता है बिकी इसलिए कि आओ मैदान खाली है, क्या कर सकते हो, खेलो, कितनी करप्शन कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है सरकारी जॉबें मिलती इसलिए हैं कि आपने यहाँ आके कितनी रिश्वत लेनी है, कितना कमा सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। अच्छा, सरकारी ऊपर तो हो गया, गवर्नमेंट लेवल की बात तो हम कर ही, मैं कहता हूँ निचले ऐसे खांचे, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं हमारे मुल्क में, अगर हम सिर्फ अपने मुल्क की बात करें, बिल्कुल, कि हम तो मतलब शॉक्ड हो गए थे, बिल्कुल। और ये जो स्विस बैंक्स जो भर रहे थे, हाँ, वो जो एक आया था, एक तो बहुत पहले आया था विकीलीक, पूरी पूरी मेल्स निकली हैं, ठीक है ना, पंडोरा प्रॉपर्टी पेपर जो पंडोरा बॉक्स बता रहे, जो वो क्या नाम है, नवाज शरीफ की जो बेटी है मरियम नवाज, उनकी थी, और वो किसी और के नाम पे करके और पत्नी क्या इस तरह से करके वो चल रही है। इस तरह भी है कि बहुत सारे अकाउंट्स अपने नाम पे नहीं होते, आपको पता है जब थोड़ा बहुत करप्शन के ऊपर को कंट्रोल किया गया या कंट्रोल करने की कोशिश की गई या बैंक को चेक किया गया अकाउंट सब के, तो पता है लोगों के आम बंदों के अकाउंट से करोड़ों रुपए निकलने लगे। आपको मैं अपनी साइड का बताऊं, एक शरबत वाला है, वो जो गन्ने का शरबत बेचते हैं ना, आप बताएं उसकी क्या औकात है, बिल्कुल, उसका कोई अकाउंट नहीं। उनके फादर के नाम पे एक अकाउंट खुला, उनके फादर मर चुके हैं, वो हयात है ही नहीं, सही थे, तो जब लोग पूछताछ करते हुए आए, लोग जो भी मतलब इन चीज़ों को पकड़ रहे थे, करप्शन वगैरह पे काम कर रहे थे, तो जब उनने बैंक अकाउंट देखा तो उन्होंने कहा किसका अकाउंट है, तो उनके फादर का नाम आया। वो पहुँचे उनकी बेटी के पास, आपके फादर कहाँ हैं, उनके मसला क्या है, तो उन्होंने बोला कि इतने इनका ये बैंक में अकाउंट है और इसके अंदर 1 करोड़ कुछ लाख पैसे हैं, तो ये आपके फादर के पास कहाँ से आए, सही, क्योंकि वो हमारे यहाँ तो नैप पकड़ लेता है और आपको हिसाब किताब देना पड़ता है सारी चीज़ों का। लेकिन मेरे फादर को तो मरे हुए 10 साल हो गए, वो तो जिंदा ही नहीं है, तो अकाउंट कैसे खोला उन्होंने। कहने लगे अच्छा आपका काम क्या है, कहने लगे मैं तो बस यही शरबत बेचता हूँ और इसमें ही मुश्किल से गुजर बसर होता है, और मेरी एक छोटी सी खोली है वहाँ रहता हूँ मैं, अपना मतलब पक्का मकान भी नहीं है मेरा तो, और मैं बचपन से ही कर रहा हूँ अपने फादर के साथ, मेरे फादर की भी यही शॉप थी, तो उनके बाद मैं संभालता हूँ, उन्हें मरे हुए 10 साल हो गए, हमारी तो आल औलाद, हमारी तो नस्ल दर नस्ल किसी ने कभी कोई बैंक अकाउंट खोला ही नहीं है, तो मेरे फादर कैसे खुलवा सकते हैं, ना मेरे दादा का, ना मेरे फादर का, ना मेरा खुद का है, ये कैसे हुआ। वो बेचारा हैरान परेशान कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ मेरे नाम पर कैसे पड़े, कैसे पड़े, फिर जान छूटी उसकी नहीं, तो फिर उसने जब बोला कि वो उसका नहीं है, तो फिर वो उन्होंने सारा मतलब वो जो होता है। अच्छा अच्छा, आप एक वाक्य सुना रही है, ऐसे कई न्यूज आए थे, एक फालूदे वाला पकड़ा गया, अच्छा एक हमारा दोस्त है उसके साथ भी यही हुआ, तो उसे बैंक से कॉल आई कि आप अपना क्रेडिट कार्ड और ये तो ले जाएं, आप अपना ये क्रेडिट कार्ड ले जाएं, तो उसने कहा मैंने तो आज तक जिंदगी, अच्छा होता ये किसके साथ है पता है, जिसने नहायती मासूम लोग हैं, नहीं जिनको कुछ पता ही नहीं, नहीं जिसने कभी जिंदगी में अकाउंट खोला नहीं। मैं वही तो कह रही हूँ, जो इन चीज़ों को लेकर जैसे हम जैसे आप जैसे लोग हैं, फिर भी हमें पता है, हमारे अकाउंट में नहीं आते, हमारे अकाउंट में नहीं आते, हम खाली कर देंगे पहली फुर्सत। तो ये ना मैंने नोट किया कि जिन्होंने कभी जिंदगी में बैंक की शक्ल नहीं देखी, ही ना देखी, उनको किसी तरीके से उनके NIC ट्रेस कर लिए जाए या किस तरीके से किया जाता है और बैंक का अमला मुलविस होता है, कुछ ना कुछ होता होगा मामला, तो अच्छा उसे बुलाया गया फिर बैंक, मैं भी गया था साथ में, तो मुझे आप बोलते थे मेरे, तो अंदर एक एक कोविड भी चल रहा था बहुत ज्यादा, एक एक बंदा अंदर जा रहा है, मैं बाहर ही खड़ा रह गया, मैंने कहा जाओ पता कर लो क्या है, तो अंदर गया तो वहाँ से वो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है आपका NIC ओके, अच्छा ये आपका NIC आपका नाम है, सही आपका अकाउंट है, तो बोला पैसों की जो बात हुई, अच्छा उन्होंने खुल के नहीं बोला कितने आए, तो उन्होंने बोला कि आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुई है, तो वो कह रहा है कि आपकी कोई जानने वाली हैं इस नाम का बताया, उनकी तरफ से ट्रांसफ़र हुए हैं, बोला नहीं मेरी तो जानने वाली नहीं है, तो बोला आपका बैंक अकाउंट, बोला नहीं मेरा नहीं है, मैंने तो आज तक नहीं खोला बैंक अकाउंट, मेरे पास तो मैसेज आ रहे हैं, कॉलें आ रही है बार बार, क्रेडिट कार्ड ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ, अपना वो ले जाओ, तो इस वजह से मैं आया हूँ, बोला आपने कभी अकाउंट नहीं खोला, नहीं खोला, फिर वो मैनेजर के पास गई, उन सब की हवाएँ उड़ी हुई थी, तो उन्होंने फिर बाय मिस्टेक हो गया, आपके पास अगर मैसेज आए तो इग्नोर कर दें, मतलब आपके पास अगर मैसेज आए तो इग्नोर कर दें, बाय मिस्टेक हो गया, मतलब उन्होंने गाल बात को, तो कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ करप्शन करने वालों के पास इतना पैसा होता है तो वो कहाँ रखे उनको ये नहीं जब पता, वो पकड़े जाते हैं तो ये हरकतें कर रहे होते हैं कि किसी भी आम इंसान को, कॉमन पीपल को पकड़ के उसकी चीज़ें उसके डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं, उनको तो इतनी अकल होती नहीं है, अच्छा और उनके अकाउंट्स में डलवा देते हैं। आपको पता है बाकायदा कुछ लोगों ने बताया कि सिंध की जो पार्टी है ना, एक जो सिंध की मजबूत पार्टी है, उसके कई मुलाजिमों के अकाउंटों में अच्छे खासी अमाउंट रखी हुई है, और एक शख्स था यहाँ का सिंध का मिनिस्टर था
उसके घर में आग लग गई, तो इसका एक पूरा कमरा आधा नोटों से जल गया, पूरे कमरे में नोट भरे हुए थे, आधा नोटों से जल गया। तो वो लोगों को क्लियर हुआ कि अच्छा यार, इसके कमरे में तो नोट भरे हुए थे, ऐसा भी नोटों से भरा हुआ फुल कमरा, मतलब करप्शन की इंतहा। अच्छा, अब आते हैं इमरान खान साहब पे। इमरान खान जब हुकूमत में नहीं थे तो वो कह, ये मैं एक कमेंट का बता रहा हूँ, एक शख्स का कमेंट है हमारे दोस्त का किसी का, उन्होंने हमारी वीडियो में कहा था कि एक इमरान खान जब हुकूमत में नहीं था तो वो कहता था मैं हुकूमत में आऊँगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल ऐसे। अब इमरान खान कह रहा है मुझे निकालोगे तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो हमारे एक भाई ने किया मुझे बड़ा ज़बरदस्त, मैंने कहा यार बाकी यार बात तो सही है। अब परेशान भैया ने यही बात की ना कि वो कह रहा है, नहीं इमरान खान धमकियां दे रहा है, बॉन्ड कर रहा है, पता क्या कहा इसने, मैं मतलब हाँ तो कह रहा है कि नहीं, कह रहा है मैं जब आऊँगा तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो भी करप्ट लोग हैं मैं सबका लटका दूंगा, उल्टा अब मुझे निकालोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मतलब उसके साथ एक ही मसला है, पहले वो ये कह रहा था कि मैं आ जाऊंगा तो नहीं छोड़ूंगा, अच्छा अभी अभी भी कोई सुन नहीं रहा। एक तो मैं ये तो हाइट ऑफ बेइज्जती है, हाइट ऑफ जलालत कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप पीएम हो ना यार, आप पीएम हो, अपने आप को समझो, अपने राइट्स को समझो, अपने पव्वे को समझो, आपकी कोई सुनता नहीं है, आप खुद पुतली बने हुए हो, ऐसे कैसे है। अच्छा, बाज़ मतलब हमने कहीं कहीं बयान न्यूज़ में आते थे तो बेतुकी बातें भी कर जाते हैं, ये मतलब है कि जैसे इंडिया से ज़्यादा इकोनॉमी हमारी स्ट्रॉन्ग है, ये बात तो उन्होंने बाद में की थी, कभी चूजे और मुर्गी की बातें कर रहा है, मुर्गियाँ पालो, हाँ हाँ बड़े सुकून वाली बात भी ऑड कही है, सुकून वाली बात, सिर्फ कब्र में है सुकून वाली बात, घबराना नहीं, तो फिर वो तो इंटरनेशनल डायलॉग बन गया, घबराना नहीं है मतलब, अच्छा घबराना नहीं बोल रहे, घबराना नहीं है, घबराहट। अच्छा, लोग वाकई अब घबरा रहे हैं, घबराए तो कब घबराए, गवादर पोर्ट चला गया, मोटरवे चला गया, अब भी नहीं घबराए, कब घबराएंगे, तो अजीब सी बात है, बिल्कुल ही अजीब सी बात है। अच्छा, वीडियो करप्शन पे, तो करप्शन का तो हमें अंदाजा है, मुझे बहुत सारे, आप अभी मुझे बैक ऑफ द कैमरा बता तो रहे थे कि घी में भी मिलावट है, तो चीनी में भी मिलावट, हर शख्स एक दूसरे के साथ मिलावट कर रहा है और समझ रहा है मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं किसी से दूध लेने जा रहा हूँ, दूध वाले ने मेरे साथ मिलावट, ठीक है, तो दूध वाले में मिलावट तो कर रहे हैं अगर, और मैं लेने जा रहा हूँ, दूध वाला कुछ खरीदने जा रहा है, वो उसके साथ में मिलावट, वो उसके एक चेन बनी हुई है, सभी एक दूसरे को। अच्छा, मैं आपको मिलावट का लेवल बताऊँ, हमारे साइड पे 150 रुपये किलो दूध, ठीक है। अच्छा, बाड़े का है ना, बाड़े का लोग शॉप से नहीं लेते दूध, बाड़े से अगर आप दूध दोगे ना तो वो प्योर मिलता है। तो हमारे ही कॉलोनी में एक बाड़ा बना हुआ है, तो भाई ने कहा कि आप वहाँ से ना, मतलब भैंसों का तो हमारी सोसाइटी में ही बाड़ा बना हुआ है, तो भाई ने उनसे कहा कि आप दूध दे दिया करें ना, शॉप का दूध समझ में नहीं आ रहा था। तो परसों की बात है कि दूध आया, उसको मतलब जैसे ही हमने बोर्ड के अंदर डाला होगा, तो आप यकीन करें पानी ऊपर अलग दिख रहा और नीचे पाउडर टाइप मटेरियल वो अलग नीचे बैठ गया, उसके पार्टिकल्स नीचे बैठे, ये बाड़े से आने वाला, ये 150 रुपये किलो दूध बाड़े का प्योर। मैं सोच रही हूँ इसने दूध ही दिया, ये पहली दफा था, पहली दफा सीरियसली। मैंने जाके मामा को पोर्ट दिखाया, मैंने कहा मामा ये क्या है, तो मामा ने कहा कि इसे फेंक दो बिल्कुल, ये तो मतलब मुझे लग ही नहीं रहा। आप यकीन करें पूरे वाटर की लेयर ऊपर है और नीचे पाउडर टाइप कोई मटेरियल होता है जो बैठ जाए पानी में, दूध की रंगत वाइट ही नहीं है, केमिकल बना, केमिकल है। तो कम से कम दूध की थोड़ी सी शक्लो शुबाहत तो दे दो हमें कि हम सेटिस्फाइड होकर पी तो लें कि दूध ही, उन्होंने मिलावट करने में इतनी ज्यादा हद कर दी, मतलब 1 किलो में 10 किलो पानी डाल दिया गया, नहीं दूध था ही नहीं ना वो, पानी और केमिकल्स मिला के, अरे रूट टाइप का जो होता है ना मटेरियल, अरे रूट होता है ना पाउडर जिससे हम कलफ लगाते हैं कपड़ों में, वो दूध बनते हैं, वो था। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीजें, अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि हर बंदा कर रहा है अपने लेवल पे हर बंदा जिसका जहाँ बस चल रहा है। मैं ये कह रही हूँ चलिए ठीक है करें, हम तो इतने मतलब बेचारे मजबूर लोग हैं कि हम कहते हैं कर लें अगर आप सेटिस्फाइड, कम से कम एक लिमिट तो है ना, मतलब क्या मतलब दूध का पिया पाचा कर दिया उन्होंने। अच्छा अच्छा, लाल मिर्च होती है, ये लाल मिर्च है आपके पास इतनी किलो है, उसका वजन किलो है, उसको पिसाएंगे तो पैसे लगेंगे, फिर 100 रुपये की किलो है फ़र्ज़ करते हैं, पिसने का खर्चा हो गया, पिसने के बाद वो दोबारा 100 किलो ही है, तो उसके बाद वो कितनी हुई होनी चाहिए, 150 मटेरियल मेहनत हुई, हाँ। मशीन चली, कुछ भी है, बिल्कुल। और पिसने के बाद चीज़ ज़्यादा हो जाती है, आपको पता है पिसने के बाद लाल मिर्च सस्ती हो रही है हमारे यहाँ, तो उसमें मिलावट हो रही है यार, कैसे आपको साबुत लाल मिर्च महंगी मिल रही है,
अरे आपको याद नहीं है एक वीडियो जिसमें हमने वीडियो देखी थी जो उन्होंने बाहर खेतों में खाना बनाया था, मुझे जगह याद नहीं आ रही, आई थिंक वो राजस्थान था, राजस्थान जोधपुर वगैरह था, जो एक बहुत फेमस शेफ थे, उनकी पिसी मिर्ची का कलर देखकर मैं कैसे हिल गई थी, उनका कलर ही अलग हो रहा था, वो बिल्कुल डार्क रेडिश कलर की हो रही है, और हमारी यानी ब्राउन टाइप की हो रही है, आप यकीन करें वो खत्ते ही कलर ब्राउन कलर की होती है, यानी यानी आप खुद बता रही हैं लकड़ी का बुरादा इसका मतलब है। बुरादा बिल्कुल, मैंने बचपन से उसी कलर की देखी, मैं उसे वो किसी मिर्ची देखकर कह रही थी कि ओरिजिनल कलर ये। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जैसे आपने वीडियो में देखा तो लाल मिर्च का कलर ही आपको अलग था। अच्छा, वो दूध मैंने बचपन में देखा हुआ था, ठीक है ना, तो मैं समझती यही होता है, तो इसका मतलब है हमने कहीं चीजों को ओरिजिनल देखा ही नहीं है। ओरिजिनल देखा ही नहीं है तो खाना तो बहुत बड़ी बात हो गई, खाना तो छोड़ गए, देखा ही नहीं है। और आपको पता है मैंने एक चीज किसी एक शख्स की मैंने वीडियो देखी जिसमें वो शख्स कह रहा है कि पाकिस्तानी कौम एक्टिव नहीं है, पाकिस्तानी कौम चाकू चौबंद होता है ना, एक सुबह उठना, काम करना, 8-10 घंटे चेयर पे बैठे रहना, कंप्यूटर पे बैठे रहना या मेहनत करना। एक शख्स बता रहा है आप ओवरऑल पाकिस्तान के लोगों को रोडों पे, सड़कों पे, बाज़ार में गुजरते हुए देखो, 2-2.5 घंटे मुसलसल एक काम नहीं करता, वो उठ के या तो सिगरेट पीता है ऑफिस का लड़का, उसको लाजमी उठना है, 2-2.5 घंटे बाद उसको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, वो चाय पीता है, या तो चाय पीता है या टहलता है कॉरिडोर में, दुकानदार होता है तो एक टांग पे खड़ा है, कभी एक टांग पे खड़ा होता है, कभी बैठ जाता है। अंग्रेज चाइनीज आपको 8-10 घंटे लगातार कंसंट्रेशन के साथ एक अपना वर्क मुसलसल। अच्छा, एक और बात बताएं, पाकिस्तान में भी फैक्ट्रियां हैं, काम होता है, चाइना में भी काम होता है, हर जगह काम होता है, ठीक है, कभी कोई एक ऐसी वीडियो देखी आपने जिसमें पाकिस्तानी बंदा कोई तेजी से काम कर रहा हो? ऐसी वीडियो अक्सर आपने यूट्यूब पे देखी, टिकटॉक पे देखी, चाइनीज की देखी। तो हमने अगर मिलावट वाली चीज़ें खाई हैं या पता नहीं क्या किया है हमने, कि हमारे अंदर वो एक्टिवनेस जो है ना, हमारे अंदर वो फुर्ती जो है काम को लेके, बंदा बता रहा है 2-2.5 घंटे मुसलसल लगातार पाकिस्तानी बंदा एक चीज़, तबीयत ख़राब होती है। अच्छा, वो उसको कवर कैसे करता है? निकल गया, चाय पी ली, टहल के आता हूँ, और उसको कॉमन समझा जाता है, कॉमन है, लेकिन कह रहे हैं अंग्रेज ऐसा नहीं करते। अच्छा, आपको भी बताएं, काली मिर्च आपने देखी, ब्लैक पेपर जिसे कहते हैं, वो कितनी कॉमन चीज़ है और वो हर हांडी में पड़ना ज़रूरी है, हर चाहे वो बिरयानी हो, चाहे वो सालन हो, जो भी हो उसमें लाजमी चाहिए होता है, चाहे वो भगरे में चावल हो। काली मिर्च पता है आपको, काली मिर्च नहीं मिलती यहाँ पे, पपीते के दाने देखे हैं आपने, उसको कलर्ड करते हैं ब्लैक कलर, वो तो वैसे ही ब्लैक ही होगा, और डार्क करने के लिए ना, ताकि लोग डाउटफुल ना हो, उसको बेचा जा रहा है। आप यकीन करें इतनी बार मैंने उसको देखा, मैंने कहा काली मिर्च नहीं है, जब मैंने उसको टेस्ट करा तो वो काली मिर्च कड़वी थी। अच्छा, छालिया में क्या मिलावट होती है, खजूर की जो अंदर की गुठलियाँ होती हैं ना, उनको कट करके छोटे छोटे पीसेस बना के उनके ऊपर पानी, शीरा और शुगर सिरप। अच्छा, छालिया खा रहा था कोई, तो वो जब छालिया को चबा रहा तो पत्थर की तरह सख्त हो रही है, जबकि छालिया गल जाती है मुंह में ही गीली रहती है, मतलब हर चीज़ में नशे तक में तो मिलावट है हमारे। गुठली छालिया में खजूर की गुठली, अच्छा इंतहा है कहीं पर भी कोई। अच्छा, एक और जगह मैं आपको बताऊँ, एक जगह कुछ दिन पहले वीडियो सॉन्ग बनाने गए, वीडियो सॉन्ग शूट कर रहे थे, तो वहाँ पर शहर के बीचों बीच एक ऐसा इलाका है जहाँ पर फसलें उगती हैं, कराची में खेती बाड़ी होती है, और उस खेती बाड़ी में आपको मूली भी उग रही है और धनिया भी उग रहा है, घास भी उग रहा है जानवरों का, उस खेती बाड़ी में पानी आ रहा है और वो पानी से फसलें उग रही हैं, ब्लैक पानी, काला पानी, कहाँ से आ रहा है? शहर के बीच है ना वो, फैक्ट्री एरिया से। अच्छा, जितना भी केमिकल्स, या जितनी भी चीज़ें बनती हैं ना फैक्ट्रियों में, तो उनका कोई वेस्ट मटेरियल होगा पानी की शक्ल। अच्छा, जिस जगह वो पानी जमा हो रहा है ना, वो जगह जली हुई, ऐसा लग रहा है यहाँ कोई आग लगी थी। पानी कम हो जाता है, दीवारें तो रह जाती हैं, पूरा कुआं सा टाइप का बना हुआ, गटर का पानी, गंदा पानी लग रहा है। उस पानी से कराची के बीचों बीच क्या उग रही है? वो कहाँ आ रही होंगी, कौन खा रहा होगा? कराची के लोग खा रहे होंगे। अच्छा, सबसे मेन बात, ये चीज़ें होती हैं गांव देहात में या अलग एरिया होते हैं जहाँ पे नहरी निज़ाम होता है, पानी होता है, तो जो शहर के बीच में ही गंदे पानी को यूज़ करके फसलें उगा रहे हैं, तो आप बताएं उनकी कॉस्ट कितनी कम हो गई? बहुत कम हो गई। कहाँ से आना था वो सब्ज़ी, टमाटर कहाँ से आने थे? शहर के बीच में। तो इस तरह से वेस्ट मटेरियल से अगर वो सब्ज़ियाँ उगेगी और कराची में लोग खाएंगे, तो कहाँ से वो 2-2.5 घंटे से ज़्यादा खड़े रहेंगे, काम करेंगे?
तो इसलिए आपकी तबीयत भी ख़राब हो गई मुझे लग रहा है। कौन सी सब्ज़ियाँ खाई थी आपने? लकड़ी का बुरा था पीसी मिर्चों में तो इस वजह से आपकी तबीयत खराब। खैर बहरहाल करप्शन का तो ना ही पूछें, बहुत वाकई बहुत बहुत और जगह जगह है, जगह जगह है, मतलब एक दूध वाले से लेकर और एक मैं कहूँगी पीएम तक सब करप्ट है। बिल्कुल। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।